एनजियम बुनियादी तौर तो पर हम ये तो कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा डाइवर्स डायवर्सम स्पीसीज भी इनकी सबसे ज्यादा हमें नजर आती हैं फैले हुए भी सबसे ज्यादा नजर आते हैं इस पूरे प्लान में सबसे ज्यादा डाइवर्स हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी एनजीओस्पर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी खसूसियात जो है वो अपनी जगह पे हमने इनसे क्या क्या फायदे हासिल किए हुए हैं ये अब हम स्टडी करने लगे ऑल राइट स्टूडेंट सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस द द प्रोविजन ऑफ फूड हमारे लिए खुराक का बहुत बड़ा जरिया यही पौधे क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली भी, भी देखें स्टूडेंट्स तो हर फूड चेन की बेस पे कौन है प्रोड्यूसर्स और हम लोग कंज्यूमर्स हैं तो हेट्रोट्रॉफिकोट्रॉफिक कंज्यूमर्स किसी ना किसी सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पे ही डिपेंडेंट होते हैं तो जो डायरेक्ट डिपेंडेंस है हमारी इनके ऊपर वो कौन कौन सी है इसको देख लीजिए सीरियल्स की फॉर्म में हम खुराक हासिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट स्टेपल फूड ऑफ मैन स्टेपल फूड कौन होती है वो दाने या वो बीज जिसे हम चावल या गंदम या मकई वगैरह में शामिल करते हैं उसको हम कहते हैं फूड जो मेन खुराक है हमारी ऑलराइट स्टूडेंट्स व्हीट राइस मेज बाले मेज भी इसको कह सकते हैं इसको कॉर्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑल राइट और राय देन लेग्यूम्स लेग्यूम्स क्या होते हैं फलीदार पौधे इनके अंदर हम लोग ये जो मटर और लोबिया और बीन्स वगैरह ये सारी चीजें इनको शामिल कर सकते हैं earth, pea, gram, green and black grams. अब इनकी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग अगर कोई आप में से अचानक ही वेट कॉन्शियस हो जाए कि वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो और आप गोश्त वगैरह छोड़ना चाहें तो यू हैव एन अदर आल्टरनेट जो के बीन्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स देन वी आर ऑब्टेनिंग वेजिटेबल्स बहुत सारी सब्जियां जो हमारी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा है वो भी सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक से हासिल की जाती हैं कैरेट रेडिश कैपेज कैबेज कॉलीफ्लावर पोटैटो पटेरो ओकरा लेडी फिंगर भी जैसे हम भिंडी वगैरह कहते हैं ये सारे के सारे पौधे असल में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं कुछ बेलों की शक्ल में कुछ जो है वो डायरेक्टली पौधों की शक्ल में ग्रो कर रहे हैं और कुछ झाड़ी नुमा भी हो सकते हैं देन वी आर फ्रूट्स मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स पियर्स और बहुत सारे जो हमारे पहाड़ी इलाकों की खास शनाख्त है वो तमाम फल जो है वो भी एंजियपोमिक प्लांट से हासिल किए जाते हैं एडिबल ऑयल्स right. यानी वो तेल जिनको हम अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं डायरेक्टली या उनको चीजों को फ्राई करने के लिए या कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं और राइट कोकोनट सनफ्लावर मस्टर्ड ऑयल कॉटन सीड्स ऑयल ये सारे के सारे वो हैं जिनको हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म में या इनको इनके डिराइव्ड फॉर्म्स में हम किसी ना किसी सूरत में खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और राइट सीडेंस नट्सो नट्स एंड वॉलनट्स और पाइन नट्स वगैरह ये सारे जो बादाम चिलगोजे अखरोट हम लोग खाते हैं ये सारे भी असल में कहाँ से आ रहे हैं वी आर ऑब्टेनिंग देम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स हमें यहाँ पे शामिल करने पड़ेंगे और राइट वी आर ऑब्टेनिंग स्पाइसेस जो मसाला जात हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे भी असल में पौधे ही उनका सोर्स है right? सिनेमन जिसे हम आमतौर पर दारचीनी कहते हैं क्लव्स लौंग जो होते हैं चिलीज मिर्चें ब्लैक पेपर काली मिर्च जो है कैरो ये जीरे को कहा जाता है और कोरिएंडर ये जो धनिया है इसको कहा जाता है और फैनल ये जो सौंफ है स्टूडेंट्स ये सारी चीजें अब इनके अगर आप लोग कॉमन नेम से फेमिलियर हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे घरों के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी खासी फ्रावानी में इस्तेमाल होती हैं हर हंडिया के अंदर कोई ना कोई एक आधा फैक्टर इनमें से ज़रूर इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ वो चावल जो प्लांट से हासिल किए हैं वो एक ही खुराक नहीं खा रहे बल्कि साथ ही साथ हम किसी और सूरत में स्पाइस को जो कि प्लांट से हासिल किए गए हैं उनको भी शामिल करके अपनी खुराक का हिस्सा बना रहे हैं देन बेवरेज जो मशरूबात वगैरह होते हैं यानी कि जिनको हम पीने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं चाय है कॉफ़ी है और कोकोआ वगैरह जो है इनसे बेवरेज बनाए जाते हैं जिनको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर हासिल करने के लिए हमारे पास दो ही मेन सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हमारे पास गन्ना है और दूसरी चीज़ जो है वो है शुगर बीट चकंदर जिसे हम कहते हैं और इसमें से जो शुगर हासिल हो रही है वो भी अगर आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो आप बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हुई है राइट दे right. जो चारा है जो जानवर जिनके साथ हम रिलेटेड हैं किसी ना किसी सूरत में खुराक हासिल करने के लिए हल चलाने के लिए अपनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए दूध हासिल करने के लिए ये तमाम जानवर इनको भी खुराक का की जरूरत होती है तो वो खुराक की जरूरत हम चारे के जरिए पैदा करें उसके लिए जो खास किस्म के पौधे उगाए जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स ट्राईफोलियम और मेलीलोटस ये सारे फहरिस्त होंगे और राइट स्टूडेंट्स बाकी जो डिफरेंट टाइप्स की इंपॉर्टेंसेज हैसेस है, जो कि सिग्निफिकेंस है प्लांट्स की हमारी लाइफ के अंदर ऑलराइट स्टूडेंट्स right, इसमें सबसे पहले नंबर पे एक चीज लिखी गई है फाइबर यानी कि बुनियादी तौर तो पे ये जो लिबास हम लोगों ने जेवतन किया हुआ है इसके अलावा जो बेडशीट आपके घरों में इस्तेमाल हो रही हैं उसके अलावा पर्दे और तरपालें और ये सारी चीज़ें जिनमें डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं उनके फ्लोर मैट्स वगैरह ये सब चीज़ें ये भी किसी ना किसी सूरत में पौधों से हासिल किए जा रहे हैं ऑल right इसके लिए स्टूडेंट्स कॉटन लेमन ज्यूट इंडियन मनीला एंड सेसल हेम्प वगैरह ये सारे फाइबर्स इंपॉर्टेंट हैं फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंतहाई अहम हिस्सा क्योंकि इंसान की जिंदगी का जो सर्वाइवल है उसके साथ बात बीमारियों का या जर्म्स का भी इंटरेक्शन चल रहा होता है तो मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियों को हम पौधों से हासिल किए गए एक्सट्रैक्ट्स के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंस हमने याद रखनी है वो है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस या द ड्रग्सिंग फ्रॉम द्लांट्स मलटी And Digitalis, etc वगैरह कुछ की हम डिटेल भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग इज कनेबसबा भी इसको कहते हैं यूज इन स्लीपिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ग्लोकोमा आमतौर पे इस पौधे को आप मेरी जोना के नाम से भी शायद जानते हो यानी ये इस तरह का पौधा है जो हमारे यहां आमतौर पे उगाया जाता था लेकिन फिर यहां से तो बिल्कुल खत्म हो गया लेकिन स्टिल अभी भी अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे इलाके और दीगर ममालिक वहां पे इसको ग्रो करवाया जा रहा है एक तो इसका फायदा मंद पहलू है जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इसका एक मसला भी ये है कि अगर ओवर यूज कर लिया जाए तो इट मे कॉज एडिक्शन जिसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में इसको मुकम्मल तौर पर बैन किया जा चुका है और राइट स्टूडेंट्स Then we have thing, कोका जिसको कोकेन के नाम से आप लोग शायद जानते हो एरिथ्रोजाइलोन कोका इसका नाम है कोकेन anesthetic. Anesthetic का मतलब क्या है तो ये उतने हिस्से को सुन करने के लिए या बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है कोका लीफ टीकन फॉर साउथ अमेरिका अब ये वाली चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं तो उनको पहाड़ पे जैसे जैसे बुलंदी की जानब जा रहे होते हैं तो मुख्त मसाइल का सामना हो सकता है जिसमें एक कॉमन साइशू यह है कि उनके अंदर ऑक्सीजन कॉन्टेंट कम होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन कॉन्टेंट बॉडी का अगर कम होना शुरू होगा तो उसकी वजह से फौरी तौर पर मतली आने की कंडीशन हो सकती है डिजीनेस हो सकती है सुस्ती पड़ सकती है या ओवरऑल बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह फील हो सकती है तो उसका एक नेचुरल आल्टरनेट हमारे पास जो मौजूद है वो स्वेनस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोका लीफ टी इस्तेमाल की जा सकती है और इसमें से हासिल होने वाला एक एक्स्ट्रैक्ट एक बड़ा जबरदस्त केमिकल है जिसका नाम है हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमायर फ्रॉम बर्व ऑफ डेफेल्स यूज टू तो ट्रीट अल्जाइमर्स डिजीज अल्जाइमर्स या डिमेंशिया स्टूडेंट्स भूलने की बीमारी को कहा जाता है आमतौर पर आपके घरों के अंदर बुजुर्गों के अंदर ये वाला प्रॉब्लम नजर आ सकता है कि एजिंग के साथ साथ यानी गुजरने के साथ साथ उनके ओवरऑल जो नर्वस टिश्यूज हैं वो डिक्लाइन के जाने जाना शुरू हो जाए और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो मेमरीज आहिस्ता आता रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो उसकी रिकवरी के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ से कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं यानी कि डेफेड के बल्ब हैं उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाले जाए उनको अल्जाइमर्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है देन इज द डेडली एट्रोपा बेलाडोना जिसका नाम है ओवरऑल तो पूरे पौधे के अंदर ही ये वाला केमिकल मौजूद है जिसे हम एट्रोपीन कहते हैं लेकिन जो इसकी बेरीज हैं वो खास तौर पे इंपॉर्टेंट हैं बेरीज ऑफ दिस प्लांट कंटेन एट्रोपीन यूज्ड टू रिलैक्स मस्कुलर ऑफ आई स्टूडेंट की वाली चीज भी काबले गौर है कि असल में तो वो ओवरऑल ही मस्कुलर रिलैक्सेंट है लेकिन के फीवर ट्री फीवर ट्री उसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इससे कोई ऐसी चीज हासिल होती है जो बुखार का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होगी इसके लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है तो खास तौर पे आजकल इस पेंडेमिक के अंदर यानी कि कोरोना की वबा के अंदर भी कनीन वगैरह या क्लोरो कनीन इनको रेफर किया गया था आगाज में लेकिन अगर हम एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं मेडिकल साइंस की तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नज़र आता है कि जब आगाज में हजारों लाखों की तादाद में लोग मलेरिया से मरा करते थे तो सिंकोना का जो बार्क है जो इस दरख्त की छाल है वो डायरेक्टली लोगों को दी जाती थी खाने के लिए क्योंकि उसके अंदर कनीन शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से लोग मलेरिया से रिकवर हो जाते थे आज हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के मरहुन मन्नत हैं कि इन्होंने बहुत सारी इस तरह की केमिकल्स और मुख्तिक मेडिसिन बना दी हैं कन को कम्बाइन करके कि जिसकी वजह से आप डायरेक्ट दुकान से जाके टेबलेट्स खरीदें और वो खा लें उसकी वजह से मलेरिया से रिकवरी हो सकती है स्टूडेंट्स देन रेस्ट ऑफ द द ऑन नेक्स्ट बोर्ड जी स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स प्लांट्स के हवाले से वो ये है कि अगेन हम अपनी डेली लाइफ पे अपने घरों के अंदर अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि लकड़ी बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हो रही है तो टिम्बर के हवाले से प्लांट्स आर वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस टीक साल ओक एंड सिसोशियेशन वगैरह का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि इनकी लकड़ी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ऑलराइट स्टूडेंट्स right, फिर कमर्शियल कॉर्क जो है वो ओक की छाल से हासिल किया जाता है फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हमारे घरों में लॉन्स में बागात में तजीनों आरइश के लिए बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं उनके खूबसूरत फूलों की वजह से या उनकी बेहतरीन खुशबू की वजह से तो ये भी कुदरती नियमतें हैं जो अल्लाह तला ने प्लांट्स की सूरत में हमें दे दी हुई हैं बुगिन विलियाज रोजेज पचीनियाज ट्राइसेंटम एंड कोलियस एक्सेट्रा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं किस हवाले से डेकोरेशन के पर लिएट स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हमारे पास हैं डाइज यानी कि कुछ नेचुरल डाइज कुछ इस तरह के कलर्स जो पौधों से या उनके फूलों की पत्तियों से हासिल किए जा सकते हैं वो कौन कौन सी डाइज हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है इंडिगो एंड ये स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द नेचुरल डाइज के तौर पर मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स और राइट देन वी हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर प्योरिफिकेशन ऑफ एटमोसफियर के ये जो पौधे ये जो दरख्त हैं ये हमारे लिए एनवामेंटल बफर्स हैं आपके इर्द गिर्द माहौल में मौजूद आलूदगी को जजब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जजब करते हैं और बदले में आपको साफ़ सुथरी खुशगवार ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को सस्टेन कर सकें और आप अपने आने वाली नस्लों के लिए इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हकूमती लेवल पे इलाकई लेवल पे पौधे या शजरकारी वाली कैंपेन्स का हिस्सा जरूर बने ये मैसेज खुद भी याद रखें दूसरों को भी इसकी ताकीद करें अच्छाई जरूर फैलाएं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी